हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी अरदासी। थोड़ा अभी ठीक हूँ मैं। आज की पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। अभी मुझे धावजी मंदिर से भी फ़ोटो वोटो आ गए हैं। बस ये है कि आज जिसने भी नाटक किया बहुत गलत किया। मैं मतलब जिस तरह से गाड़ी का बहाना मिला कि ब्रेक फेल हो गया, ये हो गया था। बाद में मेरे केशव के पापा ने गाड़ी आके चेक कराई तो ब्रेक फेल नहीं हुआ था। वो बोले कि वो झूठ बोल रहा था। और बाद में मैंने हाजीदा ने हमने सबने आईनी अमलियत में देखा तो आईनी अमलियत में यही दिखा है कि आज मेरी गाड़ी झोल होने के चक्कर में थी। मतलब सोचो, हम किसी को भी कितना भी दे दें लेकिन आदमी अपनी औकात से बाज नहीं आता है। आप सोचो, मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि मतलब सच में हमारे यूपी वालों का जो नाम ख़राब है वो सही में है। मतलब कहते ना, ये जो कहते ना, जिस पे हमने भरोसा किया, मैं बोली ना, जब जब किसको भाई या बाप माना है ना, वो हमेशा ऐसी हरकत करता है। आधे रास्ते से मुझे रिटर्न लेके आया, लेकिन देखो मैं तो जानती हूँ काड़ू भाई के हाथ में पता नहीं क्या था मेरे रास्ते में, मेरे लिए काल था कि क्या था, उन्होंने मुझे भेजा। लेकिन मेरी गाड़ी भी सही सलामत रखी, क्योंकि मुझे कल क्लिक हो गया था कि गाड़ी के लिए कुछ तो घपला है। तो मैं उसकी गाड़ी अपने घर तक लेके, बाद में हाजीदा ने बोला, माँ वो आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, वो आदमी को हराम का वो गाड़ी झोल करने के चक्कर में था। तो मैंने बोला, झोल करना था तो सुबह क्यों नहीं किया जब वो 5 बजे आया था? तो बोली, माँ तब वो करता तो तुरंत पकड़ा जाता ना। वो आपको पहले बाहर लेके गया, उसको लगा कि मैं ब्रेक का बहाना मारूंगा तो दीदी दूसरी गाड़ी मंगा के जीजू के साथ आगे चली जाएगी, बाद में झोल कर दूंगा। इतना मारेंगे ना, अभी अन्नू जी को भी मैंने बताया, सबको बताया। अन्नू जी ने बोला, विद्या जी मीरा रोड में ही रहता है, इतना गिरा के मारेंगे ना साले को। और सबसे बड़ी बात, इतना पैसा लेने के बाद भी वो आदमी आज भी मुझे पैसे मांग रहा है। बताओ, अभी जुम्मा उसको महीना भर भी नहीं हुआ काम पे, हाँ थोड़ा कहते पैसा ले चुका है 30 से 35 हज़ार, तो भी उसको पौर बोलता है मेरे, वो तो आपने अपनी तरफ से दिया था, मुझको पगार कब मिलेगा बताओ? मतलब इतना पैसा लेने के बाद उसको अलग से पगार भी चाहिए। ये डर जरा भी नहीं कि आज उसने क्या गलती की। क्या बोलता है, अरे मैंने ऐसा कोई गलती किया ही नहीं, आप ऐसे बुरा मान रहे हो, आप मैं आपका भाई हूँ। जो कि केशव के पापा ने खुद दो दो मैकेनिक को दिखाया, दोनों मैकेनिक ने बोला कुछ भी इसमें फॉल्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक व्रेक सब अच्छा चल रहा है, बारिश में थोड़ा बहुत होता है। तो उसके जाने दो, जैसा करनी वैसा भरनी, उसकी गलती की सज़ा तो मेरी तीनों देवियाँ देंगी। लेकिन आज सच बोल रही हूँ, आज जिसने भी, उसने तो किया ही किया है, और भी जिसने भी ये रास्ता रोकने की कोशिश की है ना, माँ बगला मुखी की कसम, आज काड़ू भाई ने मुझे बचाया। क्योंकि यार मुझे खुद को पता है, अगर आज मैं अकेली गई होती, मेरी बेटी नहीं होती, इतना पक्का वादा कि विद्या देवी घर पर नहीं आती। लेकिन कहते ना, मेरे खुद के रिश्तेदार मुझे मारने निकले, मुझे मार नहीं पाए, तो ये लोग क्या कर पाएंगे? लेकिन एक बात है, मैंने अक्सर देखा है, हम लोग चाहे घर में नौकर चाकर रखे या कभी किसको भी रखे, अगर हम उनको कितना भी दें ना, उनको वो चीज़ हज़म नहीं होती, उनको और चाहिए रहता है, जो उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है फिर भी उनको सबक नहीं। उनको ये भी डर नहीं है कि इतनी बड़ी पुजारी मेरा क्या करेगी। और दूसरी बात, मेरी गाड़ी गाड़ी में साक्षात धावजी हैं। परसों भी जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे ना, तभी भी उसने जब ऐसी हरकत की थी ना रस्ते में, मैं धावजी पाटिल का नाम लिया, सामने धावजी पाटिल आ गए थे डंडा लेके। तो ये बात भी बिल्कुल नहीं डरा कि धावजी पाटिल उसमें है। अगर गलती से भी गाड़ी दो कहते ना 50 किलोमीटर भी लेके जाना, तो खुद ही पागल होकर छोड़ के जाता, क्योंकि मैं काली माता की पुजारी और जो गाड़ी पे उसने नज़र रखा था उस पर धावजी पाटिल का, मेरे बॉडी वाले शख्स का, समाधि वाली माँ नरसिंह माता का नाम लिखा हुआ है। मैंने ऐसा काली माँ को सिद्ध किया है कि चोर चोरी करके भी मेरे घर के बाहर ही घूमता रह जाएगा, जा नहीं पाएगा, फिर भी दिमाग पे अक्कल नहीं। लेकिन आज सच बोल रही हूँ। देखो एक बात बताती है, जो लोग भी अर्चन डालते हैं ना पूजे में, मेरी पूजा कभी रुकती नहीं है। मैंने अनुज जी से भी बात की, अनुज जी बोलते हैं, विद्या जी आपकी पूजा कहाँ रुकती है? मैंने बोला, विद्या जी इतना बेशरम, इतना पैसा देने के बाद भी पैसे मांग रहा है, बताओ, अपनी गलती नहीं मानता, आज इतना बड़ा कांड किया। विद्या बोलती है, बुलाना ना, सामने करेंगे, लेकिन नहीं, मैं उसको अब अपने तरीके से देखूंगी। दूसरी बात, या जो लोग ये अर्चन डालते हैं उन लोगों को शर्म आता है, जो लोग मेरे पास काम देते हैं ना पूजे का, वो लोग कभी कोई अपने गहने गिरवी रख के पैसे देते हैं, कोई उधारी मांग के पैसे देते, कैसे कैसे पैसे देते, हम उनका काम करने जाते हैं। मुझे गिल्ट क्या हुआ मालूम है, मेरा वहाँ पूरा पूजे का काम हो गया, मना नहीं, लेकिन मुझे मंदिर तक जाना था, पायरी चढ़नी थी, और इस आदमी की वजह से, उस ड्राइवर की वजह से और कुछ लोगों की वजह से मैं माता की पायरी नहीं चढ़ पाई। ये वादा पक्का है कि आज शाम को मैं मुर्गा छोड़ूंगी, और दिल से बोलती हूँ माता रानी को, जिसने भी ये हरकत की है ना, उसको उसकी पूरी सज़ा मिलेगी, पूरी सज़ा मिलेगी, चाहे जिसके साथ भी मिलके किया हो, क्या किया हो, कुछ मुझे पता नहीं। क्योंकि हाजीदा ने भी आईने अमले देख रहा है, हाजीदा, सुनीता, इसने लता सब भड़क गए, बोले माँ उसको ये डर नहीं आया जरा भी कि आप कौन हो, क्या हो, आपको जरा भी डर नहीं आया? वो बार बार एक ही बात बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उस वक्त ऐसा हो रहा था। जो कि गाड़ी यहाँ पे आई है, कंटिन्यू चली है, कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी में।
अब देखिए, हो सकता है माता रानी की कृपा की माँ उसको नहीं चाहती थी। मैंने पहले ही बोला है, जो मेरे बारे में बुरा सोचेगा ना, मेरे घर में काम भी करते रहेंगे, शक्तियाँ उनको टिकने नहीं देगी। आज से 3 दिन पहले ही हाजीदा ने कहा था, माँ उसको निकाल दो, बरोबर नहीं है। उसको धावजी पाटिल ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार झटका दिया, फिर भी वो आदमी सुधरता नहीं है। तो देखो क्या होता है, जब जिस इंसान के अंदर डर नहीं रहता ना, उधर डर लाना हमारा काम है। उसने हमें पागल में गिनती की है तो हम उसकी क्या हालत करेंगे? क्योंकि आज सिर्फ मेरा नुकसान तो किया नहीं उसने, मेरा नुकसान ये किया कि उसकी वजह से मैं पायरी नहीं चढ़ पाई। मेरे केशव के पापा बोलते, तू मुझे बोलती ना, मैं चलता था, लेकिन कोई बात नहीं, पायरी नहीं चढ़ पाई। लेकिन जिसकी वजह, उसकी और जिसकी भी वजह से पायरी नहीं चढ़ी है, आज भी तेरी भी मुर्गा छोड़ेगी, देख लेना माता रानी उसका क्या हल करेंगे। मैं केशव के पापा बोल रहे, तो ऐसा ना, तेरे मन में अगर है तो चल, मैं कल लेके चलता हूँ। नहीं, आज संकष्टी थी, चतुर्थी थी, शायद मेरे लिए कुछ काल था, क्योंकि मुझे 2 दिन से ऐसा लग रहा था। फिर हाजीदा ने भी बोला, माँ मैंने आपको मना किया था, आप मत निकलो। अरे हम इतना पूजा पाठ करते हैं ना, तो हम भगवान से पैसा नहीं मांगते, मैं अपने लिए शक्ति मांगती हूँ, अपने लिए सेफ्टी मांगती हूँ। और मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैं, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला रहता है ना, तो शक्तियाँ पहले आगाह करती हैं। और उस गाड़ी में तो साक्षात धाव जी हैं। आज उसने, ड्राइवर ने या जिसने भी जो भी गलती की रहेगी, माता रानी की कसम, आप देखो 72 घंटे में उसके साथ क्या होता है। होगा तो ज़रूर, और कुछ बड़ा ही होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की है। ये गलती उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और जिसने भी ये सब काम में जो हरकत किया है कि मैं मंदिर तक नहीं पहुँच कर, ये नहीं कर पाऊँ, पूजा नहीं कर पाऊँ, तो मेरे जितने लोगों का मैंने काम लिया है ना, सब लोग सिगरेट लगा रहे हैं कि माँ काम के लिए तो हम सिगरेट लगाएंगे। दूसरी बात, जो मैं करने वाली हूँ, मैं तो अभी पूजा कर चुकी, मेरा वहाँ पूजा अर्चना कहते ना, वो उधर अभिषेक सब हो चुका है। अभी जो मेरा बाकी है, वहाँ मुर्गा भी छूट चुका है धावजी पाटिल में, ऑलमोस्ट सब जगह भी मुर्गे छूट गए। अभी 1-2 मुर्गा मुझे छोड़ना है, उसके बाद मज़ा देखो। अगर आज ज़िंदगी तुम्हें काम मिल गया, कि जितने लोगों ने हरकत की है, आज ज़िंदगी काम मिल गया या कुछ काम कर लिए, तो मुझे याद करना। मुझे बुरा क्या लगता है कि ये जो लोग करते हैं ऐसी हरकत, इन लोग को ज़रा भी डर नहीं है, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, बेगर मांगे सब कुछ मिल रहा था, फिर भी बताओ गाड़ी चुरा के ले जाके कहाँ लेके जाते, क्या करते, इतना खा, इतना आसान बात समझाए। हाँ, अरे वो कहते ना, ये सारी चीज़ें उनके साथ की जाती है जो लोग पागल होते हैं। मुझे तो उस पर तभी शक हो गया जब वो आदमी मुझे बार बार बोल रहा था, जीजा को बुला लो, जीजा को बुला लो। मैंने बोला, जीजा को क्यों बुला लो, इतना बड़ी यात्रा करने वाली औरत मैं हूँ, मैं अपना, मुझे अगर उसको ये बात समझना चाहिए, अगर मुझे जाना रहेगा घर, मैं ओला पकड़ के जाऊँगी, रिक्शा पकड़ के जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी रस्ते में छोड़ के किसी अनजान के भरोसे कैसे जाऊँगी। मैं ये बात उसने नहीं सोची, आज उसकी चालाकी उसके अंदर ही घुसने वाली है, ये पक्का वादा है मेरा, ये देख लेना। और दूसरी बात, क्योंकि आप पूजे की ताकत मैं दिखाऊंगी, वही नहीं, और भी 2-4 लोगों ने आज कोशिश की, मैंने देखा है नहीं, अमलियत में हाजीदा ने बताया, माँ ये 2-4 लोगों ने कोशिश की कि आप नहीं पहुँचो, लेकिन आपके पहुँचने के पहले वहाँ पूजा हो गई। लेकिन हम वादा करते आपसे, आप हमारी गुरु हो, ऐसे गुरु दक्षिणा हम उनको 72 घंटे में अगर पानी नहीं पिलाया तो हमारा नाम बदल देना बस आप, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि आज हमारे लिए शक्तियों का दिन, आज कौन सा वार है, शुक्रवार है, कल शनिवार है, आज और कल हमारे लिए दुश्मनों का दिन है। हम जो आज काम करते हैं वो दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं, क्योंकि आज साक्षात शक्तियाँ हमारे सामने उतरती है। तो देखिए आज शक्तियाँ तुम सबकी क्या बैंड बजाती हैं। जितने लोगों ने ये काम किया है लिख के लेना, अगर 1 रुपये तुम्हारे घर में आज के बाद आ गया और 1 रुपये का भी काम तुम्हें कहीं मिल गया और कुछ हो गया, तो मेरा नाम बदल देना। ये चोरी चकारी तो बहुत दूर की बात है, इसकी बात की सज़ा कितनी बड़ी मिलेगी वो देखना बस। यहाँ तो लोग मेरा हराम का पैसा खाते तो देखो 4 गुना चला जाता है। यहाँ मेरी गाड़ी पर नज़र रख ली गई, बताओ कितना बड़ा हिम्मत। ये भी नहीं देखा कि उसमें धावजी पाटिल साक्षात हैं, और अब धावजी पाटिल क्या करेंगे, मज़ा देखो क्या करेंगे। जय माता दी।